हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और यूपीपीसीएस मेंस 2021 डेली आंसर राइटिंग के आज हम 11वें दिन में पहुंच गए हैं। आज हम जीएसटी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम था वो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और क्या कारण था वही हम इंट्रो में लिखेंगे। देखिए, प्री कोविड अगर हम 2018 की बात करें तब तक हमारी ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन स्टिल मिलियंस ऑफ आवर सिटीजन वर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, और हमारे यहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी को देखते हुए ये जो हेट्रोजेनिटी थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में या ह्यूमन डेवलपमेंट में कह लें, तो उसे दूर करने के लिए ही जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पीछे छूट गए थे डेवलपमेंट में उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। अगर हम आज की बात करें तो आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक 131 है आउट ऑफ 181 कंट्रीज़। और ये इंडेक्स कौन लॉन्च करता है आप कमेंट करके बताएं। और हम मीडियम कैटेगरी में आज भी हैं। तो जो हमारा आज़ादी का 75वां वर्षगांठ या अमृत महोत्सव जो हम 2022 में मनाएंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए 2018 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि हम न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसे ला सकें और हमारे यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके और ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़िया हो। तो ये जो हेट्रोजेनिटी थी लिविंग स्टैंडर्ड, उसी को दूर करने के लिए थ्रू कैसे करेंगे, थ्रू मास मूवमेंट के थ्रू से दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। आइए अब शुरू करते हैं कि इसका फोकस एरिया क्या क्या था। देखिए, और ये टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है और नीति आयोग इसे देख रहा है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके। इसमें 5 फोकस एरिया थे, है ना। 5 फोकस एरिया, पहला तो हो गया आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन, तीसरा हो गया एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस, चौथा था आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और जो पाँचवा था वो था आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड, पोटेबल वाटर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड, पोटेबल वाटर आ जाएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें बेसिक इंफ्रा में कवर होंगी। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हेल्थ को 30% था, एजुकेशन का भी 30% था, इसके अलावा जो है आपका एग्रीकल्चर का 20% था, और बाकी इन बेसिक इंफ्रा का 10% और स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का 10% दिया गया था। ये तो हो गए इस प्रोग्राम के फोकस एरिया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस होगा, कोलैबोरेशन होगा और कंपटीशन होगा। कन्वर्जेंस किसका, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उनका कन्वर्जेंस होगा। कोलैबोरेशन होगा स्टेट के ऑफिसर्स में और सेंटर के ऑफिसर्स में। इसके अलावा जो प्रभारी ऑफिसर होंगे सेंट्रल स्टेट के उनका और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे उनका। और फिर कंपटीशन होगा इन्हीं एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में, जो 117 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपस में कम्पीट करेंगे और उनकी जो स्प्रिट होगी वो होगी मास मूवमेंट की, यानी जन आंदोलन के थ्रू हमें इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को स्टेट में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाना है, उसके बाद देश का भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाना है। अब हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स में, इनकी क्या कोर स्ट्रेटजी है इस प्रोग्राम की। तो इसमें जो स्टेट्स होंगे उन्हें बोला गया कि आप ही लोग मेन ड्राइवर होंगे इस पूरे प्रोग्राम के, मेन ड्राइवर स्टेट होगा और ये वर्क करेगा स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी तो उसी पे इसे वर्क करना है ताकि जो है जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मतलब जो आसानी से जो डेवलपमेंट की जा सकती है उसे आइडेंटिफाई किया जाए, और ताकि अगर उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ये क्या करेगा, एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा डेवलपमेंट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को स्पीड तेज कर देता है। तो अगर हम लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लें और उस पर काम करना शुरू कर दें ताकि स्ट्रेंथ डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ में पता चल जाए, तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। फिर हम क्या करेंगे, जो भी प्रोग्रेस है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं उन्हें हम मीज़र करेंगे। आपने टर्म सुना होगा डेल्टा रैंकिंग, तो डेल्टा रैंकिंग क्या करती है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस को मीज़र करती है ताकि इनमें एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आ जाए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पायर करने लगे कि हम स्टेट अपने स्टेट के बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, अपने नेशन के बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स में हम इसका देख लेते हैं क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है इस प्रोग्राम का। तो देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में
जो है केंद्र सरकार क्या करेगा, अपना सेंट्रल का प्रभारी ऑफिसर नियुक्त करेगा और वो एक तरह से जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा स्टेट जो होंगे वो एक चीफ सेक्रेटरी के अंडर कमेटी भी गठित करेंगे। उसके अलावा स्टेट लेवल का एक प्रभारी ऑफिसर होगा। उसके अलावा स्टेट जो है वो नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट करेंगे। फिर कई सारी मिनिस्ट्रीज़ को भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट फीचर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी यूपी डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ इट, तो हमें पता है यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इसका पार्ट है। प्री में भी क्वेश्चन आया था और अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो जुलाई और अगस्त माह में जो है हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में आए हैं, ये आप लिख सकते हैं। और जो हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर। आपने एक टर्म सुना होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो ये CBS का होल स्क्वायर और सिक्योरिटी फोर्स SF, तो ये आपका कोड वर्ड हो जाएगा उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को याद करने का। और अगर हम आ जाएं कंक्लूजन पे तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इससे क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है अगर हम इस प्रोग्राम के जो मैंडेट है उसको अचीव कर लेंगे तो हमारा जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो हम 2022 तक अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन्हें अचीव करने के लिए हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक अच्छी आएगी। और देखिए इसमें जो फोकस एरिया क्या थे, हेल्थ था, न्यूट्रिशन था, इससे क्या होगा हमारी जो है लोगों की फिजिकल और सोशल कैपिटल मजबूत होगी, लोगों का एजुकेशन मिलेगा और ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। एग्रीकल्चर में हो गया आपका, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। तो इसके आप एक डायग्राम बना सकते हैं, इसमें आप इनकी स्कीम्स को दर्शा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में केंद्र सरकार की कौन सी स्कीम है, राज्य सरकार की कौन सी है, एजुकेशन सेक्टर में एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या स्कीम है और इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए क्या है। इसके अलावा आप इसमें ODOP का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपी का मैप बना सकते हैं, आप इंडिया का मैप बना सकते हैं। 12 नंबर के लिए इतना सफिशियंट है और आप कंक्लूड कर दें कि जो हमारा न्यू इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।